जय जोहार। मैं अमन आप मन के स्वागत करता हूँ न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। ऑनलाइन ठगी और कई प्रकार के साइबर क्राइम दिनों दिन बढ़े लगे हैं। लोगन लुभावन बात में फंस के पैसा के लालच में ठगी के शिकार हुआ थे। यही बात ला देखत हुए बिलासपुर पुलिस साइबर मितान नाम के एक योजना चलैया है, जिन 1 सितंबर ले 8 सितंबर तक चलही, जिन में लोगन साइबर क्राइम से बांचे पर जागरूक करे जाही। यही विषय लेके हमार सहयोगी प्रकाश कुमार है बिलासपुर SP प्रशांत अग्रवाल मेयर खास कोट बात करीस। जोहार, स्वागत है आपका न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़ में। और आज हम लोग आए हुए हैं बिलासपुर SP के पास। क्यों आए हुए हैं? कारण है कि बिलासपुर SP के मार्गदर्शन में एक साइबर मितान नाम की एक योजना चलाई जा रही है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर ये योजना है क्या। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये साइबर मितान योजना क्या है और आखिर इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? पिछले कुछ महीनों में लॉकडाउन का पीरियड रहा और इस दौरान ये देखा गया कि सोशल मीडिया का उपयोग काफ़ी बढ़ा है। कई लोग जो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते थे वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने लगे। जो कमर्शियल गतिविधियाँ थी उसके स्वरूप में भी थोड़ा परिवर्तन आया। ऑनलाइन डिलीवरी वाले बहुत सारे जो तरीके हैं वो बढ़े, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी काफ़ी बढ़े, तो उसके साथ साथ साइबर क्राइम भी इस दौरान बढ़ा है। कई लोग साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं और साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो बाउंड्री के बियॉन्ड ऑपरेट करते हैं कि बिलासपुर का यदि कोई विक्टिम बन रहा है तो जो अपराध करने वाला है उसको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अलग अलग अपने देश में कुछ कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ से ऐसे क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं, तो उनको बार बार जा कर के पकड़ना या उनको ले कर के आना और उनसे फिर रिकवरी कराना उतना संभव नहीं हो पाता जिस संख्या में ये अपराध इस तरीके के होते हैं। तो इसका बेहतर तरीका है कि हम लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें। थोड़ी सी भी अगर सावधानी लोग बरतेंगे तो साइबर अपराध के शिकार वो नहीं होंगे और उनकी जो कमाई है या उनका जो हार्ड अर्न मनी है उसका नुकसान उन्हें नहीं होगा। जी सर, हमने सुना है कि साइबर मितान योजना के अंतर्गत साइबर मित्र भी आएंगे जो कि लोगों की मदद करेंगे, तो क्या ये मित्र पुलिस डिपार्टमेंट से होंगे या फिर कोई भी जो साइबर से रिलेटेड जिसको अच्छी जानकारी है वो भी इस मुहिम में जुड़ के अपनी सहभागिता दर्ज कर सकता है? जो साइबर मितान अभियान होगा वो हमारा 1 तारीख से 8 तारीख के लिए हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि 1 से 8 सितंबर के बीच हम लोग अपने ज़िले के हर एक घर तक, हर एक परिवार तक पहुंचने की हमारी कोशिश रहेगी। हर गांव में, हर वार्ड में हम लोग पहुंचेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को कुछ हेल्पिंग हैंड्स की आवश्यकता भी होगी। और अभी से लेकर 1 तारीख के पहले तक हम लोग ऐसे साइबर रक्षक तैयार कर रहे हैं जिनको हम लोग ट्रेन करेंगे और जो लोग बाकी लोगों को साइबर अपराध के संबंध में अवेयर करने के लिए सक्षम होंगे, कुछ अच्छी भाषा में, साधारण इजी लैंग्वेज में उनके लिए ट्रेनिंग मटेरियल भी तैयार किया हुआ है और आने वाले कुछ दिनों में हम लोग इनको ट्रेन करेंगे। बहुत सारे लोग पुलिस से इस अभियान के लिए जुड़े हैं। लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो तो रहेंगे ही। उसके अलावा पिछले कुछ समय में कोरोना में कई सारे SPOs हम लोगों से जुड़े थे तो वो भी इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं, वो लोग भी रहेंगे। और उसके अलावा कुछ NGOs के लोग जो लोग पुलिस से, प्रशासन से मिलकर काम करते रहे हैं, उसके अतिरिक्त भी कई और वॉलंटियर्स हैं, उनकी भी तरफ से रिक्वेस्ट है कि वो भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लगभग 5,000 हैंड्स हम लोग तैयार करेंगे इन अगले 5-6 दिनों में, जो लोग 1 से 8 के बीच में पुलिस के साथ मिल करके लोगों में जागरूकता लाएंगे। सर, हमने आमतौर पर देखा है कि सिर्फ गांव के गरीब वर्ग के लोग ही नहीं जो कम पढ़े लिखे हैं, हमने ये भी देखा है कि अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी साइबर क्राइम के शिकार होते हैं, तो आपकी तरफ से उन लोगों को क्या संदेश होगा कि वो लोग इस तरह के झांसे में ना आए, किस तरह की सावधानियां वो रखें? अलग अलग जो टारगेट पॉपुलेशन है वो अलग अलग तरीके के क्राइम का शिकार होते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन लोग जनरली टेलीफ्रॉड के शिकार ज़्यादा होते हैं, जिसमें उनको कोई फ़ोन आता है कि आपका कार्ड इनवैलिड हो गया है या आपका अकाउंट इनएक्टिव होने वाला है, आप ये जानकारी दो। और उनको जो भी बैंक के सिस्टम्स, अच्छे बैंक ने सिक्योरिटी सिस्टम्स अपने बनाए हैं, बट वो भी उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उनसे 1 टाइम पासवर्ड भी पूछ लेते हैं और इस तरीके से वो ठगी का शिकार बन जाते हैं।
शहर में कई बार ऐसा होता है कि आजकल कॉलेज बच्चों में, कॉलेज के बच्चों में और जो टीनेजर्स में सोशल मीडिया का उपयोग काफ़ी बढ़ा है। कई बार लड़के लड़कियां आपस में दोस्ती करते हैं, लड़कियों की तरफ से कुछ इंटीमेट फ़ोटोज़ शेयर हो जाती है, जिसको लेके वो कई बार ब्लैकमेल का शिकार होती हैं। ऐसे फ्रॉड भी, ऐसे अपराध भी सामने आते हैं। उसके अलावा आजकल एप्लीकेशन पेमेंट्स का काफ़ी चलन है और ऐप पेमेंट्स को ड्यूप करना काफ़ी आसान है, तो कई सारे साइबर क्रिमिनल्स उनका भी फ़ायदा उठाते हैं। कोई गूगल पे यूज़ कर रहा है या पेटीएम यूज़ कर रहा है, उसको किसी तरीके की लिंक, लुभावनी लिंक भेज देता है, जिसको वो क्लिक करते हैं और उनका फ़ोन की जो स्क्रीन है वो स्क्रीन शेयर हो जाती है, कुछ ऐसा उनमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। तो इस तरीके से भी फ्रॉड होते हैं। तो कई अलग अलग तरीके हैं फ्रॉड के, उन सभी को लेकर के हम लोग 1 से 8 के बीच में लोगों को जाएंगे और उनको बचने के तरीके लोगों को बताएंगे। जी, तो ये थे बिलासपुर SP श्री प्रशांत अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से साइबर मितान योजना काम करने वाली है। तो आप सभी से हमारा ये निवेदन है कि आप भी सावधानी बरतें और इस तरह के जो ठगी के मामले हैं उनसे आप बच सकें। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।